दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक स्टेट समाचार और मैं हूं जिला सांबा से सुरेश शर्मा। आज जो समाचार हम आपको सुनाने जा रहे हैं वो किसानों से जुड़ा हुआ है। जिले के सीमावर्ती क्षेत्रों के जो किसान हैं वह उन्होंने अगेती धान की रुपाई का कार्य जो है वो शुरू कर दिया है। विशेषकर हम बात करें अगर सीमावर्ती तहसील रामगढ़ की, तो आज हमने देखा कि कई गाँवों में जो किसान हैं उन्होंने अर्ली वैरायटी की जो धान की है फसल है उसकी रुपाई शुरू की है। और जो किसान सब्जी की खेती करते हैं ज़्यादातर वो किसान हैं जो धान की अर्ली वैरायटी लगा रहे हैं। और आपको बता दें कि किसान धान की रुपाई तो कर रहे हैं लेकिन बिजली की जो अघोषित कटौती है उसकी वजह से जो किसानों के पंप सेट हैं वो सही तरीके से नहीं चल पा रहे हैं। ये तस्वीरें आप जो देख रहे हैं कि सीमावर्ती क्षेत्रों में किसानों ने अगेती वैरायटी की जो धान है उसकी रुपाई का काम शुरू कर दिया है। जो जिला सांबा है इसका सब सेक्टर है जो रामगढ़, जिसे कृषि प्रधान क्षेत्र कहा जाता है, जहां पर जो किसान इस इलाके में अगेती सब्जी की फसल लगाते हैं उन्होंने अगेती धान की रुपाई का कार्य है वो जो शुरू कर दिया है। इससे पहले भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई कि किसान जो हैं वो धान की रुपाई के कार्य में जुट गए हैं। और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि जो बाहरी राज्यों से जो लोग काम करने के लिए आते हैं, ये जो युवा यहाँ पर धान की रुपाई कर रहे हैं ये बाहर से आए हुए हैं मेहनत मजदूरी करने के लिए। पहले भी ये इस इलाके में आते हैं और ये धान की रुपाई कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि ज़्यादातर किसान जो हैं वो धान की रुपाई का कार्य जो करते हैं वो जुलाई महीने में होता है जब बरसात का मौसम शुरू होता है, मानसून की बारिशें होती हैं। पर जो किसान सब्जी की अगेती फसल लगाते हैं वो धान की अगेती वैरायटी जो है अर्ली वैरायटी है उसकी खेती भी करते हैं और उसके बाद वो समय पर जब धान की कटाई होती है तो वो दूसरी फसल जो है अगेती सब्जी की फसल जो है वो लगाते हैं। सीमावर्ती क्षेत्रों में हमने देखा बहुत से ऐसे गाँव हैं जैसे कौलपुर है, खानपुर है, पखड़ी है, ब्रोटा कैंप है, केसो है, कुमोर कैंप है, रंगूर कैंप है, जहाँ से हम जब आगे गए दक्षिणी का क्षेत्र है तो सारे इलाके में अवताल का क्षेत्र है, नंदपुर का एरिया है। वहाँ पर जो किसान विशेषकर जो किसान सब्जी की खेती करते हैं उन्होंने धान की अगेती वैरायटी की रुपाई का कार्य जो है शुरू कर दिया है। और इस बार हम आपको बता दें कि एक थोड़ी सी राहत ये है कि पिछले वर्ष किसानों को धान की रुपाई के लिए मजदूरों की कमी आड़े आई थी, इस बार ऐसा नहीं है। बहुत सारे मजदूर जो हर गांव में पहुंचे हुए हैं। हालांकि कोरोना महामारी के कारण पिछली बार बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा था लेकिन इस बार मजदूरों की इतनी कमी नहीं है। हर गांव में चाहे थोड़े थोड़े ही मजदूर सही धान की रुपाई के लिए पहुँचे हैं। और ये धान की रुपाई का कार्य जो है जिन किसानों ने खेतों में पंप सेट लगाए हैं पंप सेट के माध्यम से ये जो धान की रुपाई का कार्य चल रहा है, हालांकि इसमें किसानों को भारी परेशानियों का फिर भी सामना करना पड़ रहा है क्योंकि जैसे ही तापमान में वृद्धि हुई है बिजली की अघोषित कटौती जो है आंख मचोली जो है वो शुरू हो गई है। और बिजली की आपूर्ति सुचारू ना होने के कारण धान की रुपाई जो कर रहे हैं किसान उसमें भी थोड़ी तेजी नहीं आ रही है और नहरों में भी ना मात्र पानी है। किसानों का कहना है कि एक तो जो संबंधित विभाग हैं वो बिजली पानी की आपूर्ति को सुचारू बनाए ताकि जो किसान अगेती धान की रुपाई करना चाहते हैं वो समय पर धान की रुपाई कर सकें। और मैं आपको बता दूं कि जिले के जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं जैसे ब्लॉक जो है तहसील जो है रायपुरा हो गया और बैनगलाड़ का एरिया हो गया और हमारा जो सीमावर्ती रामगढ़ है नंदपुर का क्षेत्र हो गया, जहाँ पर ये कृषि प्रधान क्षेत्र हैं और ज़्यादातर किसान जहाँ पर बासमती धान की जो रुपाई करते हैं, पर अर्ली वैरायटी धान की रुपाई वो किसान करते हैं जो फसल की खेती जो है सब्जी की फसल भी लगाते हैं। और ये दृश्य आप देख रहे हैं ये बाहरी राज्यों से जो लड़के जो यहाँ पर मजदूर हैं जो आए हुए हैं धान की रुपाई के कार्य में जुटे हुए हैं। हम इस समय मौजूद हैं सीमावर्ती गाँव पखड़ी में और जहाँ पर हम आपको बता दें कि गाँव की अगर हम बात करें तो कम से कम 35-40 के करीब जो मजदूर हैं जो बिहार से यहाँ पर पहुँचे हुए हैं जिन्होंने धान की रुपाई जो किसान जो हैं इनसे करवा रहे हैं। और ज़्यादातर किसान जो हैं वो धान की रुपाई का कार्य जो है वो जुलाई महीने में ही करेंगे।
लेकिन अगेती धान की रुपाई का कार्य अगर हम बात करें तो कृषि प्रधान सीमावर्ती क्षेत्रों में जो रामगढ़ तहसील है वहां पर शुरू हो गया है पंप सेटों के माध्यम से। ये दृश्य आप देख रहे हैं, पंप सेट चल रहे हैं और इसके माध्यम से किसान जो है वो धान की रुपाई के कार्य में जुटे हुए हैं। और कुछ और भी दृश्य हम सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा करके आपको बताएंगे कि किस तरीके से धान की रुपाई का कार्य जो है वो शुरू हो गया है। और जुलाई महीने में जैसे ही मानसून की बारिश शुरू होगी ज़्यादातर जो धान की रुपाई है उस समय हो पाएगी, लेकिन किसानों ने फिर भी अगेती धान की रुपाई का कार्य जो है पंप सेटों के माध्यम से शुरू कर दिया है। इस बार थोड़ी सी राहत किसानों के लिए ये रही है कि श्रमिक जो बाहर से मजदूर आते हैं धान की रुपाई करने के लिए वो पिछले साल की अपेक्षा इस बार ज़्यादा आए हैं और हर गांव में मजदूर पहुंचे हुए हैं और इसी का फ़ायदा उठाते हुए किसानों ने पंप सेटों के माध्यम से जो है वो धान की रुपाई शुरू की है। हालांकि उस सिंचाई जल तो पंप से पूरा नहीं हो रहा, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके किसान जो है वो धान की रुपाई का कार्य आगे बढ़ा रहे हैं। किसानों ने संबंधित विभागों से मांग की है कि बिजली व सिंचाई जल की आपूर्ति को सुचारू बनाया जाए ताकि किसान जो है धान की रुपाई के कार्य को तेज कर सके। मुझे और मेरे सहयोगी राजू शर्मा को दीजिए इजाजत और देखते रहिए दैनिक स्टेट समाचार।